क्यों बुलडोजर चल रहा है? ये बुलडोजर इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ ऐसा जिसे देखकर आप भी दंग हो जाएंगे? बस ये 3 मिनट की वीडियो है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जिसके अंदर गर्मी कुछ ज्यादा है वो तो ज्यादा ध्यान से देखे, क्योंकि यूपी को शिमला कैसे बनाना है अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये कोई फसाना नहीं बल्कि हकीकत है। मुसलमानों के लिए योगी बने हनुमान। आईपीएस और 100 पुलिस वालों ने ऐसा क्या किया? 20 मिनट में खेल खत्म हो गया। योगी ने बता दिया कि शिमला किसे कहते हैं। जिला है रामपुर। मुस्लिम परिवार के बेटे की मौत हो गई, लेकिन योगी ने उन्हें आंसुओं में सुकून की एक खबर भेज दी। यानी एक तरफ बेटे की मौत से परिवार गमगीन था और दूसरी तरफ अपराधी के घर पर बुलडोजर दम भर रहा था। ये तस्वीरें देखिए। पहले जरा ये सोच कर देखिए कि क्या किसी ने कभी देखा और सुना था कि यूपी पुलिस को सिर्फ 90 मिनट चाहिए। क्या आपको पता था कि 90 मिनट में सूचना आएगी, आरोपी फरार होगा, पुलिस FIR लिखेगी और बस इसी 90 मिनट में SP साहब बुलडोजर लेकर पहुंच जाएंगे। पहले तो अपराध के 90 मिनट के बाद भी पुलिस पहुंच जाती थी तो लोग कहते थे जल्दी आ गई, लेकिन अब योगी राज में 90 मिनट में यूपी की पुलिस फाइलों को बंद कर देती है। रामपुर, यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ जिसे हर कोई जानने के लिए बेताब है। चुनाव तो खत्म हो गए लेकिन चुनावी रंजिश आज भी जारी है। चुनाव की लड़ाई रामपुर में एक नया रंग लेती दिखाई दी। रामपुर के एक परिवार का सब कुछ लूट गया और चिराग बुझ गया। रामपुर की ये तस्वीरें घर गिराने के वक्त की हैं। किसका घर गिर रहा है? क्यों बुलडोजर चल रहा है? क्यों बुलडोजर इतने गुस्से में है? ये सब समझने के लिए आपको 90 मिनट पहले चलना होगा। 90 मिनट। मंगलवार यानी 12 अप्रैल सुबह 11 बजे रामपुर के टांडा क्षेत्र के लालपुर कला गांव में ग्राम प्रधान के जेठ मोहम्मद वसीम अपने चाचा हरुण के साथ घर के बाहर बैठे थे। गांव के प्रधान तबस्सुम है। दो लोग बाइक पर आए, चेहरा नकाब से ढका था। आते ही चाचा भतीजे पर कई गोलियां दाग दी। वसीम की मौके पर ही मौत हो गई। चाचा घायल हो गए। फायरिंग से गांव में दहशत के साथ साथ कई कहानियां बनने लगी। हर आदमी का फोन बजने लगा। मामला रंजिश का था इसलिए जांच से पहले आरोपी का नाम और पता सब कुछ मालूम हो गया। मौके पर SP अंकित मित्तल पहुंचे। 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को गांव में देखकर किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर अब होने क्या वाला है, और फिर वो हुआ जो आपके सामने है। SP ने गांव के सभी रास्तों को बंद कराया। आरोपियों को ढूंढने की बजाय पुलिस शांत थी। तभी आरोपियों के घर देखते ही देखते बाबा के कई बुलडोजर पहुंच गए। गरजने लगे सारे बुलडोजर, और फिर वही हुआ जो यूपी में हो रहा है। मुस्लिम परिवार के घर वालों के गम में एक राहत भरी खबर आई। गांव के लोग पीछे हाथ बांध कर पूरा नजारा देख रहे थे। ये उन्हीं आरोपियों का घर था जिन्होंने 90 मिनट पहले गोलियां बरसाई थी। देखा जाए तो रामपुर में मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। पहली बार ऐसा हुआ। जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ सिस्टम खड़ा हुआ। पुलिसिया सिस्टम गलत होने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन साथ ऐसा था जैसे पीड़ित परिवार का कोई व्यक्ति सरकार का नुमाइंदा हो। अब आप खुद ही तय कर लीजिए कि वोट का शिकार बनना है या अपने लिए एक सही सिस्टम को चुनना है। ये है बाबा का बुलडोजर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।